तो दोस्तों क्या आपको भी टेक्नोलॉजी से प्यार है और इसके अलावा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट्स या फिर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना या फिर सुनना आपको भी पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाली है क्योंकि आज मैं फैक्ट्स के साथ साथ आपके लिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी लेकर आया हूँ जो आपके लिए काफी मददगार होगी और आपको इनके बाद जो है काफी मजा भी आएगा और एंटरटेनमेंट भी होगी। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हुए इन 5 फैक्ट्स को आपको पूरी तरह से बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से बात कर लेते हैं अपने पहले टेक फैक्ट के बारे में जो काफी मजेदार और आपके लिए भाई सब बहुत फायदे वाला होने वाला है। अगर आप भी एक ड्यूरासेल के ही सेल को है जो यूज करते हैं और उसके सेल को यूज करते हुए आपका जो डिवाइस है वो चाहे 5,000 का हो या 5 रुपए का हो अगर वो खराब हो जाता है भाई साहब तो कंपनी आपको क्लेम देने के लिए पूरी तैयार है। वो दावा करती है कि अगर ड्यूरासेल के सेल को यूज करते हुए आपका कोई भी डिवाइस वो चाहे वो कितना भी महंगा हो अगर वो खराब हो जाता है जो है वो आपका सेल है वो लीक हो जाता है ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कंपनी आपको पूरा क्लेम देगी और उसके साथ आपका जो डिवाइस है उसको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगर आपके साथ ऐसा कोई भी कुछ हुआ है और आपको इस फैक्ट के बारे में नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं अब अगले टेक फैक्ट की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत बड़ी बड़ी स्मार्टफोन ब्रांड की जो कंपनीज हैं वो 30, 40, 50 वॉट तक के चार्जर्स तो दे देती है उसके साथ साथ वायर इतनी छोटी क्यों, ये आपके भी दिमाग में मिथ होगा कि इतनी छोटी वायर के पीछे इनका क्या कारण है कि यहाँ कुछ पैसे बचाना चाहते हैं। तो नहीं फ्रेंड्स इनका पैसे बचाने का मोटिव नहीं है, ये आपका फोन बचाना चाहती है। जी हाँ फ्रेंड्स जैसे कि कई लोग फोन के साथ बहुत ही उनका प्यार होता है वो क्या करते हैं चार्जिंग पोर्ट में लगाकर साथ में गेमिंग सर्फिंग कुछ भी करते रहते हैं तो उनके लिए उनकी जो फोन की बैटरी होती है वो हार्मफुल हो जाती है या फिर खराब हो जाती है। तो ऐसा जो है बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं चाहती हैं क्योंकि कल को ये बात होगी तो आप ही कहेंगे कि फोन जो है खराब था या फिर ऐसा कुछ भी था। तो इसके लिए जो है वो छोटी वायर देते हैं ताकि आप जो है चार्जिंग करते वक्त अपने फोन को यूज ना कर पाए और एक साइड में जो है उसको स्टैंड बाय रखकर उसको चार्जिंग के लिए छोड़ दें और जब वो 100% हो गए तभी उसे चार्ज लगे ताकि आपकी परफॉर्मेंस जो है फोन की बढ़िया हो जाए, बैटरी परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाए और आपको अच्छी तरह से उसको फोन को यूज कर पाए। अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसको फॉलो कीजिए। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से बात कर लेते हैं अपने अगले टेक फैक्ट की ओर लेकर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब पहले जमाने में बहुत पहले की बात कर रहा हूँ 20s में ही जो है जब जो स्मार्टफोन थे वो अवेलेबल नहीं थे ज़्यादा मात्रा में, जो है इंटरनेट फ्री नहीं था तो लोगों को जो है डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर लैपटॉप पे ही सर्फिंग करना काफ़ी पसंद था। पर जब से स्मार्टफोन आ गए हैं छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी जो है फ़ोन में अपने जो है वीडियोज़ देख रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी है, बट लोगों को फ़ोन में जो है इंटरनेट चलाना काफ़ी पसंद आ रहा है और लोग कंप्यूटर से भाग रहे हैं। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग जो है अपना 80% से भी ज़्यादा का जो इंटरनेट है रोज का वो यूज कर रहे हैं सिर्फ वीडियोस को ही देखकर, वो फिर चाहे इंस्टाग्राम पर रील्स हो, यूट्यूब की वीडियोस हो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स, अमेज़न ऐसा कुछ भी हो। तो ये काफी अच्छी बात है कि लोग जो है नई नई वीडियोस को देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फैक्ट था, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फ्रेंड बात कर लेते हैं अपने अगले ही टेक फैक्ट के बारे में। अगर आप लोगों को रीडिंग करना, बुक्स पढ़ना या फिर नॉलेज गेन करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मार्केट में जाकर आप बड़ी बड़ी बुक्स को महंगे महंगे दामों पर जो है परचेज नहीं करना चाहते हो तो सिंपल जो है एक वेबसाइट का नाम मैं आज आपको बता देता हूँ जिसका नाम है IPDF ड्राइव है। ये एक वेबसाइट है जहाँ पर आप जाकर किसी भी महंगी बुक को फ्री में जो है बिल्कुल सही सुना फ्रेंड्स फ्री में आप डाउनलोड करके उसका PDF जो है अपने स्मार्टफोन में ही जो है उस बुक को रीड कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। अगर आप टूर पे भी गए गए हैं, अगर आप बोर हो रहे हैं तो सिंपली बुक्स को रीड करके जो है अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं। अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन टेक फैक्ट की जिसके लिए ही आपने इस वीडियो को ओपन किया और अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्लूटूथ का नाम ब्लूटूथ कैसे पड़ा, किसने रखा और किसकी वजह से पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि ब्लूटूथ का नाम एक किंग यानी राजा के नाम पर रखा गया जिसका नाम था डैनिश किंग हैरिड। और ब्लूटूथ रखने के पीछे एक मेन कारण था कि वो तीनों टाइम जो है दिन में कई बार जो है ब्लूबेरीज बहुत ही बड़ी मात्रा में खाते थे जिनकी वजह से उनके जो टीथ थे यानी दांत थे वो पूरे ही ब्लू हो चुके थे। उसके साथ साथ वो जो है राजा बहुत ही बढ़िया थे, उनका जो है एक कनेक्शन बनाने के लिए, एक एकता बनाने के लिए काफी ज्यादा जो है मात्रा में लोगों को इकट्ठा करने वाले बहुत ही आसानी से वो काम कर लेते थे जिनकी वजह से उनके उनको देखते हुए ब्लूटूथ का नाम ब्लूटूथ पड़ा और ब्लूटूथ के लोगों में आपको उनके इनिशियल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको कैसे लगे हैं फैक्ट्स, अगर आपके मन में है कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जल्दी से राइट कर दीजिए। उसके अलावा अपना प्यार इस चैनल पर दिखाते हुए वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, धन्यवाद, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।